नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ हैरियर को लेकर। तीसरी सर्विसिंग है आज उसकी, और आज मैं बताऊंगा कितना इसमें कॉस्ट आ रहा है, क्या है। अब तक वैसे कोई प्रॉब्लम तो ऐसे अभी तक हुई नहीं है गाड़ी में, ना ब्रेकिंग को लेकर कोई इशू है ना कुछ। अभी 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, और इसका ड्यू डेट वैसे तो 23 जुलाई को होना था, लेकिन ये एक महीने पहले ही लगभग इसका सर्विस हो जाएगा आज, क्योंकि 14,000 किलोमीटर में इसका तीसरा होना था। एक्चुअली ये 15,000 किलोमीटर चल चुकी है, तो इसका एस्टिमेटेड मतलब इसका कितना खर्चा आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। और 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये गाड़ी कैसी चल रही है ये भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिए मेरे वीडियो में। दोस्तों, अभी हैरियर का जो है नेक्स्ट जनरेशन अभी आने वाला है, क्योंकि अपडेट बहुत ज़रूरी है। 2018 में लॉन्च की गई थी इसको, उसके बाद पावर ट्यून करके कुछ और छोटी मोटी कमियों को सॉल्व करके फिर से इसको रीलॉन्च किया गया। उसमें इसकी बिक्री भी ठीक ठाक है। 20 लाख की गाड़ी अगर 2,500 यूनिट बिक रही है हर महीने, तो आप इमेजिन करिए कि एक कितना मतलब ये सक्सेसफुल है ये। और अभी मुझे लगता है कि इस गाड़ी में थोड़ा और कुछ चेंजेस होना चाहिए। जैसे अभी जो नई गाड़ी अगर आप लेना चाह रहे हैं हैरियर, तो अभी बिल्कुल वेट करिए मेरे ख्याल से। और उसमें क्या क्या चीज़ मैं इस गाड़ी की कुछ कमियां मैं बताऊंगा, क्योंकि 15,000 किलोमीटर चला चुका हूं। देखिए, क्लच और स्टीयरिंग को छोड़ दिया जाए तो वेंटिलेटेड सीट्स हैरियर में, ये जो सामने जो इसका जो हेडलैम्प है वो थोड़ा कमज़ोर लगता है, उसको बिल्कुल अपग्रेड करना चाहिए। है जो स्टैंडर्ड है आई थिंक उसको अपडेट करना चाहिए। ये जो कंसोल है जो डैशबोर्ड के नीचे जो घुटना हल्का सा लड़ता है कुछ लोगों को, जो कि अभी तक तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, पर कुछ लोग ऐसा कहना है कि जो हाइटेड लोग हैं उनके साथ कुछ दिक्कतें हैं। तो भाई, टाटा को ये सब देखना चाहिए कि अगर थोड़ी भी किसी को दिक्कत हो रही है तो उस पर काम करना चाहिए। अब तक मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि मुझे ऐसा घुटना लड़ा हो, लेकिन ठीक है, अगर किसी को हो रही है तकलीफ तो उस पर बिल्कुल देखा जाना चाहिए, क्योंकि आप बेटर को और बेटर कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल, देखिए हैरियर में क्रूज़ कंट्रोल आता है, लेकिन एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। तो क्रूज़ कंट्रोल मतलब एक आप मानिए मूर्ख कंप्यूटर जैसा काम है। आपने 80 में सेट कर दिया, गाड़ी बिल्कुल 80 में चढ़ जाएगी, सामने रास्ता खाली है या नहीं इसको नहीं देखता ये। तो एडेप्टिव क्रूज़ में क्या होता है कि आप जब कोई आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे देते हैं कार को, अगर सामने ट्रैफिक है और आपने 80 में सेट कर दिया तो बिल्कुल 80 में नहीं जाएगा, वो 20-30 में चलेगा, जब तक ट्रैफिक क्लियर ना हो सेंसर से वो चेक करेगा। जैसे एडास सिस्टम अभी महिंद्रा 7XUV700 में जो सिस्टम अभी आया है, तो एडहेस सिस्टम जिसको बोल रहे हैं, तो वो कुछ एडहेस सिस्टम अगर इसमें आ जाता है तो फिर इसको तोड़ दोस्तों मुश्किल हो जाए। एक 4x4 वेरिएंट भी लोगों का डिमांड है, तो बिल्कुल एक 4x4 अगर हो जाती है तो फिर इस गाड़ी में फिर क्या ही कहने, मतलब आप लुक्स के मामले में भी किसी से पीछे नहीं है, बल्किनेस के मामले में, कम्फर्ट के मामले में 80 तो मतलब इसमें आपको आप 80 की स्पीड में आप चल रहे हैं तो आपको 60-50 के आसपास आपको फील होता है अंदर में, इतना सा भी वाइब्रेशन नहीं है इसमें। तो आप मानिए कि सब कुछ सही जा रहा है, बस अब समय के साथ परिवर्तन ही सर्वाइवल का नियम है। इफ यू विल चेंज यू नो यू विल सर्वाइव। सो कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए इस गाड़ी में, और बिल्कुल मेरे ख्याल से वो इट्स ऑन द वे, ज़रूर कुछ नया चीज़ आएगा। अभी हैरियर में वैसे भी वेंटिलेटेड सीट्स है, सफारी या हैरियर में शायद मेरे ख्याल से वो काजीरंगा एडिशन में आ भी गई है, पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडास सिस्टम थोड़ा टेस्ला टाइप का कुछ देना चाहिए तो मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं, हम तो चल ही रहे हैं, बताते हैं आपको गाड़ी में कितना खर्चा आ रहा है। अभी इसका DF ख़त्म हो गया है और ऑयल का भी शाइन आ रहा है इसमें,
पता नहीं इसमें कोई ऑटोमेटिक कुछ टाइमर लगाया क्या, पर कल से जो ऑयल वाला जो सिंबल होता है वो ब्लिंक कर रहा है कल से तो। और इसमें एक मैसेज भी पॉप अप हो रहा था कि DF इज़ गोइंग टू बी फिनिश सून, ऐसा कुछ कुछ दिखा रहा था, DF ख़त्म हो जाएगा और जितनी जल्दी हो सके आप सर्विस सेंटर जाइए और DF फुलफिल कराइए। DF मतलब डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड होता है, यूरिया भी जिसको बोलते हैं। तो आज हम तीसरी सर्विस करा रहे हैं, देखते हैं 8 से 10 हज़ार के बीच मैंने सोचा है, पता नहीं कितना खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, पता नहीं। अभी एडिशनल तो कोई इसमें प्रॉब्लम दिख नहीं रही है, ऑयल फिल्टर और ये सब कुछ चेंज होना है तो चलते हैं। दोस्तों सर्विस सेंटर में आ चुका हूँ और यहाँ पर मुझे एस्टिमेट दिया गया है 17,000 रुपये का। गाड़ी यहाँ खड़ी है, उसमें जनरल सर्विस है, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूड है और रोडेंट कोटिंग है, जर्म क्लीनिंग है, एसी क्लीनिंग है, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, प्री फिल्टर, व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग। इन सब का कॉस्ट मुझे अभी एस्टिमेट इन्होंने दिया है 17,000 समथिंग का। देखते हैं कुछ इसमें डिस्काउंट मिले तो, मुझे लगा था थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन चले कोई बात नहीं, देखते हैं अब कितना अच्छा ये करके देते हैं मुझे। 6:30 बजे तक मुझे मिल जाएगा, अभी 12 बजा है। दोस्तों कल मुझे समय नहीं मिल पाया था वीडियो बनाने का क्योंकि कल शाम हो गया था, मतलब रात हो गया था, 8 बजे मिली मुझे गाड़ी। और कल क्या हुआ मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। 12 बजे के आसपास मैंने गाड़ी छोड़ा था, 8 बजे मुझे गाड़ी मिली, सब कुछ ठीक था, पर जो टाइम ये लोग लेते हैं, टाइम टेकन इनका, मतलब जो इतना लंबा इन्होंने मुझे बिठाया लगभग 8 घंटे, और जो चार्ज ये लोग लेते हैं दोस्तों, कल इन्होंने समझाया मुझे पहले कि आपकी गाड़ी में ये काम होना है ना, ऑयल चेंज होगा, ये चेंज होगा, सारा चीज़ मुझे समझाया और मुझे अश्योर किया कि सर आपको 6:30 के लगभग गाड़ी मिल जाएगी। अभी उसके बाद ठीक है चलो, मैं वेटिंग लॉन्च में वेट करने लगा। फिर जैसे मैं 6:30 बजे के आसपास जैसे ही पता करने जाता हूँ तो मेरी गाड़ी ट्रायल पे जा रही है, तब तक वॉश नहीं हुआ था 6 बजे के आसपास। तो दोस्तों अल्टीमेटली ये हुआ कि इन्होंने मुझे, चलिए ऑयल फिल्टर तो एक मैंडेट है, मतलब मैंडेटरी है भाई, 1 साल के अंदर वो होना है, ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर जो भी है, ये सारा चीज़ ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा कि एंटी जर्म क्लीनिंग करेंगे इंटीरियर का, उसका चार्ज मेरे ख्याल से 2,000 रुपये इन्होंने लिया है, और बिल में इंटीरियर स्टैंडर्ड क्लीनिंग भी उसका भी कुछ 1300 जोड़ा है, पता नहीं ये समझ नहीं आ रहा है, ये अभी मैं पूछूंगा इनसे। और इन्होंने कहा सर बहुत अच्छे से साफ करेंगे, बरसात के दिनों में एक्सटीरियर क्लीन ना हो चलेगा, इंटीरियर क्लीन होना चाहिए, ये सब बोल के इन्होंने सब करवाया। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, एंटी जम क्लीनिंग के नाम से चूतिया बनाया है मेरे को इन्होंने, कोई भी ठीक से क्लीनिंग मेरे सामने ही, मैंने इनको मना किया कि भैया 8 बज चुका है रहने दीजिए मत करिए, तो बोलते हैं सर कर देते हैं, अभी बिल में क्लेम हो गया है तो वापस मिलता नहीं, या तो आपको नेक्स्ट टाइम आगे कराना पड़ेगा एंड ऑल दैट। ये मेरे सामने क्लीन किया, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ जिस तरह से इन्होंने क्लीन किया है। तो यही है कुछ, आप टाटा में गाड़ियाँ तो सर खैर गाड़ियाँ अच्छी हैं, सर्विस को और बेहतर किया जा सकता है, तो ये लोग भेड़ बकरी की तरह गाड़ी अंदर करते हैं बिल्कुल सर्विस के नाम पे, बहुत सारी गाड़ियाँ लेंगे, लिमिटेड लोग हैं वहाँ पर, समय एक गाड़ी अच्छे से अगर क्लीन करोगे तो समय अच्छा खासा 1.5-1.5 घंटा तो क्लीनिंग में लगता ही है एक गाड़ी को अगर आप अच्छे से करें तो।
तो उस हिसाब से इनके पास मैन पावर नहीं है, गाड़ियाँ ज़्यादा लेते हैं तो परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट तो पड़ेगा। तो ये बहुत गलत बात है टाटा के नॉर्म्स में। या तो आप लिमिटेड गाड़ी लीजिए, या तो अपने मैन पावर बढ़ाइए, या तो अपना एरिया बढ़ाइए जिसमें आप गाड़ियाँ लेते हैं, लोगों को बढ़ाइए। तो ये मेरे साथ तो यही हुआ है, कल तीसरी बार मेरे साथ ये हुआ। मैं गाड़ी टाइम पर ले जाता हूँ पर मुझे एस्टिमेट जिस टाइम पर मुझे गाड़ी डिलीवर होना चाहिए उस टाइम पे बिल्कुल नहीं मिलता है। लास्ट में बिल्कुल बिल्कुल निपटा देते हैं, मतलब क्या आप कहूँ। अब इससे अच्छी क्लीनिंग तो मैं अपने घर में करता हूँ, मेरे पास फोम वॉश है। तो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल ऐसा धो देंगे थोड़ा बहुत, मतलब सफाई नहीं होती इनके क्लीनिंग में। ये जो गाड़ियाँ धो रहे हैं नॉट अप टू द मार्क। आई वुड सजेस्ट यू ऑल गाइस कि प्लीज डोंट गो टू एनी सर्विस सेंटर फॉर एंटी जम क्लीनिंग, यू कैन डू इट एट योर होम। जस्ट ऑर्डर दैट स्प्रे और केमिकल फ्रॉम Amazon or Flipkart, you can buy this product online. So AC cleaning can also be done at your home and also rodent coating. तो ये तीन चीज़ें हैं, these three things you can do it by yourself at your home. And those who are watching this video, please like, share, subscribe. और मुझे आप कमेंट पे ये बताना कि कल 17,000 का बिल फटा है मेरे नाम पे, मतलब सर्विसिंग के नाम पे, क्या जो इनवॉइस है जो मुझे मिला, रिसीट मिला जो मैंने आपको शेयर किया है, वो आप देखिए और उसके बाद मुझे थोड़ा बताइए कि क्या मैं बाहर से सर्विस कराऊं, क्योंकि टाटा के सर्विस सेंटर में पूरा एक दिन लग रहा है, और एक दिन लगना और ठीक से साफ़ भी नहीं होना, तो क्या ये सही है। ये लोग गाड़ियाँ पूरी मतलब भर के गाड़ी लेते हैं और काम ठीक से नहीं करते, जो लास्ट में जो गाड़ियाँ बचती हैं उसको ये लोग ऐसे ही धो धा के पॉलिश करके दे देते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा एक्सपीरियंस, थर्ड और द वर्स्ट एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड इन एनी सर्विसिंग सेंटर्स। इससे पहले स्विफ्ट थी मेरे पास, उसमें कभी ऐसा इस तरह से कभी भी कुछ नहीं आया, कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन वो लोग नहीं देते थे। अच्छा, कीज़ के बारे में भी मैं आपको बता रहा हूँ कि गाड़ी के साथ मुझे दो कीज़ मिली थी, पर इन्होंने मुझे एक की एक दिखाया था, दूसरी की के बारे में मुझे पता नहीं था, वो गाड़ी के अंदर ही थी और सेल्स वालों को भी पता ही नहीं कि चाबी गाड़ी के साथ दो आ रही है ना, क्योंकि जब गाड़ी बनती है दोस्तों तो चाबी उसके हिसाब से उसको कोडिंग किया जाता है। और ये तो लकीली मैंने कल पूछ लिया कि मेरी गाड़ी अगर कोई अंदर चला जाए बिना चाबी के तो गाड़ी चालू हो जाती है, तो उन्होंने कहा भैया ऐसा होता नहीं है, आपकी गाड़ी में ज़रूर एक चाबी होगी। उन्होंने ढूंढी चाबी मिल गई, गाड़ी के अंदर ही थी। और यहाँ मुझे ये लोग बेवकूफ़ बना रहे थे कि सर बस आपका चाबी आपको मिल जाएगा, एक महीने मिल जाएगा, दो महीने मिल जाएगा, अभी टाटा से एक ही चाबी प्रोवाइड कर रही है। ये सब डिसिप्लिन भाई, आप पैसा इतना चार्ज करते हैं, लेबर कॉस्ट इनका इतना ज़्यादा रहता है, सर्विस टैक्स लगाते हैं, जीएसटी लगाते हैं, तो काम भी वैसा करिए, लोगों को बोलने का मौका ना मिले, मेरा बस ये कहना है। गाड़ियाँ तो टाटा ने सुधार ली, लेकिन सर्विसिंग के मामले में अभी भी मतलब कर सकते हैं और अच्छा। देखिए नो डाउट मुझे समझाया गया, सर आपको आपके गाड़ी में ये सब होगा, ये होगा, इतना एस्टिमेटेड कॉस्ट है, इतना ये सब, वो सारा चीज़ ठीक है, चाय कॉफ़ी सारा कुछ पिला रहे हैं, बिठा रहे हैं, सब चीज़ ठीक है, लेकिन यार जो जिस काम के लिए मैं गया हूँ ना वो काम होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, मुझे वहाँ चाय कॉफ़ी से लेना देना नहीं है। मुझे लेना देना अगर है तो आप मेरी गाड़ी ठीक से बना के दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉर्ट करके दीजिए। अगर आप कोई वादा कर रहे हैं, इफ़ यू आर गिविंग सम एनी काइंड ऑफ सर्विस, गिव इट प्रॉपरली। ये ऐसा थोड़ी होता है कि आप 2000 में सर आपकी एंटी जम क्लीनिंग कर देंगे, उसके बाद थोड़ा सा फोम लगा के आप घिस के मुझे गाड़ी दे रहे हैं, कई जगह ठीक से साफ भी नहीं हुआ है। तो ये सारा चीज़ जो है टाटा का, मुझे ये तीसरी बार था, अच्छा नहीं लगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम मैं जाऊँ शोरूम, मतलब सर्विस सेंटर टाटा के, या ना जाऊँ, मुझे डाउट है। प्लीज़ अगर आपको कुछ इसके बारे में कोई सजेशन देना होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में
सजेस्ट कीजिए। और दोस्तों, मैंने आपको इनवॉइस तो दिखाया ही है, आप देखिए और कोई राय होगी तो ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पे अगर पहली बार आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और भी वीडियोस मैं इस तरह के बनाते रहूँगा। तो टेक केयर गाइस, बाय बाय। ये था मेरा एक्सपीरियंस टाटा सर्विस सेंटर में और तीसरी बार। चलिए फिर, बाय बाय, ख्याल रखिए।